Happy Chuseok! Hi everyone! Namaste, meri bhaiyo aur behno, and annyeonghaseyo! Welcome back to my channel. First of all, Happy Chuseok to everyone. And aaj main ja rahi hu ek jagah ka naam kya tha yaar? Korean folk village. So guys, ye mera first Chuseok hoga. With my mother-in-law and father-in-law, और मैं excited हूँ. I know guys कि मैंने बहुत समय लिया, मतलब आप लोगों को बहुत दिनों से देखने का मन कर रहा था कि मतलब मम्मी जी को दिखाओ, पापा जी को दिखाओ, but you know उन लोगों में मतलब कैसे बताऊँ यार, उन लोग भी बहुत बिजी रहता है और मैं कैसे बताऊँ कि चलो मम्मी जी पापा जी चलो ब्लॉग बना लेते, ऐसे तो नहीं कर सकती हूँ ना मैं. फिलहाल किम कोरिया पे नहीं है तो इट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डू समथिंग विद देम. आप आज देखोगे कि मेरे मदर इन लॉ के साथ मैं कैसे बात करती हूँ, फादर इन लॉ के साथ कैसे बात, थोड़ा बहुत तो आपको झलक मिल जाएगा आज के ब्लॉग पे. लेट्स गेट स्टार्टेड. तो आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि कोरियन विलेज कैसा होता है, ट्रेडिशनल, ओल्ड ट्रेडिशनल विलेज. सो लेट्स गो अमोनी एंड आबोची. आबूजी का फैशन. आबूजी. और ये रहा ट्रेडिशनल फूड कोर्ट. वाओ. और वहाँ पे है मेरा मदर इन लॉ, उसे कुछ खरीदना ही है. स्वीट तो के लिए स्वीट होता है. यस. Very sweet of Amelia. Very sweet. Abuji, where now, Abuji? Now we are here. We have to go so many places. 여기로 해서 우리는 다시 이쪽으로 가려고 생각하고 있어. 여기 아직 안 봤어. 여기 가야 돼. Okay. मुझे कुछ समझ में तो नहीं आ रहा है, पर उसका थोड़ा जब पापा जी जब कुछ एक्शन करते हैं ना, तब मुझे थोड़ा समझ में आता है. पापा जी बोल रहे थे कि हम कहीं से यहाँ से लेके अब हम लोग शुरुआत ही है हमारा, और हमें और आगे जाना है, तो हम और आगे जाएंगे. आई लव सो ओपन. वैसे मेरा मम्मी जी मेरे से भी यंग दिखता है. I said you look younger than me. Younger. मम्मी जी का स्किन काफी सही है, मेरे से ज्यादा सही है. Wow. Come on, you come along. And it feels so so cute. It's like luck is hello. Hi. How are you? Wow. ये जो फूल है हमारा वहाँ भी मिला करता था, आई थिंक मुझे याद है, बट साउथ इंडिया के साउथ पार्ट पे तो नहीं, बट जो असम पे तो मिला जाता आई थिंक. आई एम सो श्योर. ये फूल मुझे याद है अभी भी. मैं ये सारा चीज़ पता नहीं, मुझे ऐसे ये सारा चीज़ देखना हमें बहुत ही अच्छा लगता है. आई नो आई एम काइंड ऑफ ओल्ड स्कूल आई थिंक गाइस. स्पेशली मैं जब भी कोरियन ड्रामा भी देखती हूँ ना, मैं देखती हूँ क्या, ये जो ट्रेडिशनल हिस्टोरिकल वाला ड्रामा देखती हूँ, तो मुझे और ज़्यादा ऐसे अच्छा लगता है ये सब ओल्ड मतलब विलेज या पुराना उन लोगों का ट्रेडिशनल हिस्ट्री होता है, वो सब देखना पसंद होता है मुझे. एनीवे यहाँ पे है ये सब चीज़ तो हमारे पास भी हुआ करता था. अलग बात है कि ये कोरिया में मतलब ये 100 ईयर्स पहले, मतलब 100 या 80 ईयर्स बैक ऐसे हुआ करता था, बट आजकल नहीं होता है ये नॉर्मल डेज में. और मेरा मम्मी जी बहुत ही सीरियसली पढ़ रहे हैं, पता नहीं क्या पढ़ रहे हैं. आई एम श्योर वो कुछ अपना पुराना चीज़ याद रख रहा होगा. सही. जेजू आइसलैंड थाई. जेजू आइलैंड वी वेंट लास्ट टाइम. सेम आबूजी. सेम राइट. गाइस हमें अभी भी बात करने में मुश्किल होता है, बट आई थिंक सम हम लोग थोड़ा थोड़ा करके समझ रहे हैं. एनीवे
ऐसा फील हो रहा है कि मैं कोरियन ड्रामा पे आ गई हूँ। वाह, ये देख रहे हैं गाइस, किमची, किमची, डेंजांग, डेंजांग, कोचूजांग, कोचूजांग, चांगटोक्टे, टू कीप एवरीथिंग। ये देख लीजिए गाइस, कितना बड़ा सा ये। और हाँ, मुझे मम्मी जी गाइड कर रहे हैं। वाह, चलिए तो अभी हम लोग अलग जगह चलते हैं। यहाँ पे एक ही चीज़ दिक्कत है, मास्क पहन के घूमते रहो। ये चीज़ मुझे बहुत ही गंदा लगता है, क्या करें। बुरा मुझे कोरियन ड्रामा वाला फील आ रहा है। कौन सा ड्रामा था यार गाइस ये? जब ये जगह को देख के आपको कौन सा ड्रामा याद आता है प्लीज़ कमेंट में बताना। अब तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे अभी पार्क बोगम आने वाला है। आई एम अ बिग फैन ऑफ छी छांगुक एंड पार्क बोगम। स्कूल, दिस वन इज स्कूल सादा। हाँ, आई सी। अभी हम लंच करने वाले हैं। मम्मी जी ने किम्बाप बनाया था ये सुबह को, तो अभी हम लोग इसे खाएंगे किम्बाप। और यहाँ पे कॉमन होता है अपना लंच लाना। आप जाके रेस्टोरेंट में भी खा सकते हो, बट आई प्रिफर टू ईट होम फूड। सो मम्मी ने बनाया आज इतना प्यार से। तो पानी पी रहा। सॉरी So guys, हमारा लंच हो चुका है अभी, और अभी हम फिर जा रहे हैं ये गांव देखने के लिए। मेरा फादर इन लोग कुछ गाना गा रहे हैं, पुराना गाना शायद। दे आर सो क्यूट। नाउ यू कैन फील, यहाँ पे है फैमिली, क्यूट सा फैमिली। सिंधी तो गाइस, मैं अभी दिखाने वाली हूँ यहाँ का जो ट्रेडिशनल हॉस्पिटल कैसे दिखता है। वैसे अभी फ़िलहाल इसको टर्न किया गया है कैफ़े में, बट अगर आप पुराने ज़माने के जो हॉस्पिटल होते हैं कोरियन के, ऐसे रहते हैं ऐसा। आप देख सकते हैं यहाँ पे सब ऐसे रहते हैं। हमारा ऐसे होता है बात, बहुत अभी भी मुश्किल है। वैसे यहाँ का जो वो है थीम भी, मतलब जैसे नर्स लोग पहनते हैं ना, ऐसे सेम है। बस कॉफ़ी बेच रहे हैं अभी। मुझे एक ही चीज़ बहुत परेशान कर रहा है, ये है मास्क। मतलब चलने में भी इतना प्रॉब्लम, भगवान। और मुझे इस जगह को देख के मुझे ये याद आ रहा है कि एक ड्रामा है नेटफ्लिक्स पे, ये जो बैक साइड है किंगडम ड्रामा, आई थिंक किंगडम का ड्रामा बहुत याद आ रहा है, जहाँ पे मतलब जो ज़ॉम्बी लोग होते हैं जो अटैक करते हैं, तो उन लोग उस पर वो ऊपर पे खड़ा होता है, kind of something like that I think. It just reminds me of kingdom drama jisko maine padha tha, ding dong. If you guys remember or not. Abhi hum ja rahe hain ek buddhist temple, yahan pe hai andar hi hai ek, aur ye I think hamara ye final destination hoga. Wow.
네가 제일 좋아하는 게 뭐냐고 물어본다. 그런 나를 넌 보며 대답 없이 미소만 짓는데. I'm going, going, going crazy. I'm going, going, going crazy. Happy Chuseo. 안녕. 행복하세요. 행복하세요. तो गाइस आज का ब्लॉग इतना ही था क्योंकि अभी हम घर जा रहे हैं. तो यही था हमारा चुसोक. आज का दिन हमने ऐसे मनाया. तो आई होप कि आप लोगों को ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा. शायद अगर आप लोगों को ये ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर देना, कमेंट कर देना एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल. और मैं आप लोगों को जल्दी मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग पर. बहुत सारा ब्लॉग आने वाला है बट मैं धीरे धीरे करके डाल रही. तो सो सॉरी गाइस, मैं बहुत सारा चीज़ से भी बिजी थी बट आज फिलहाल फाइनली मुझे एक ब्लॉग बनाने को मिल रहा है तो मैं इसे तो आज ही अपलोड कर दूँगी. बाय बाय बाय.